हाँ भाई, हेलो। आउटफिट दे लिया आपने? टेंशन ली नहीं, रिलैक्स बॉयज, अभी जॉब नहीं मिली हमें। अभी हम जाएंगे, हम एक चूहा लेने। हमें चूहा आ गया, चूहा लेना है इसलिए क्योंकि वो बिल्ली भी बड़ी बोर हो रही होती है, मैं भी ज़रा बोर हो रहा हूँ। और अब हम लेंगे गाड़ी चलाने के शॉर्ट्स, स्टेयरिंग के, बाहर की गाड़ियों में तीन लेंगे, तीन या चार, तीन ले लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ गर्मी है, जल्द से जल्द घर पहुँचते हैं, तीन शॉट लेते हैं। अच्छा भाई, वेलकम होम स्वीट होम हो गया। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे चले हम आपको कहानी का, या आउटफिट तो ज़रा चेंज कर ले, आउटफिट में ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं। तो वो इसके पीछे नहीं, मतलब इस कपड़ों उतारने के पीछे नहीं, जो 1 2 3 शॉट की वजह ये थी कि हमने जो लैपटॉप दिया ना, हम सोचेंगे ज़रा प्रीमियर प्रो पे कुछ देखें, हाथ पाथ सेट करें, प्रीमियर प्रो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो कह रहे थे आप लोग चलें वापस वहीं चलें वापस से, अभी कपड़े समझे वापस मैं पहन लो, ये रिवाइंड हो रहा है सब, जुक 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 पीछे वहीं पे वापस गाड़ी में। स्टेयरिंग के, बाहर की गाड़ियों में तीन लेंगे। तो भाई ब्लॉगिंग का सच मूड तो था नहीं, पर अभी वो चूहा ले लिया हमने, चूहा ले लिया, नया लैपटॉप आया, नया लैपटॉप में प्रीमियर भी डाल लिया। प्रीमियर में अब अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूज़ करूँगा ये ब्लॉग, अगर ये बन आज रहे, समझो क्या जो भी तारीख होगी उस दिन बन रही, लेकिन हो सकता है एक महीने बाद डले क्योंकि प्रीमियर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ। बिल्कुल आज मैं विंडो खोलूँगा, कल डाउनलोड हुआ है, तो उस पर एडिट करना क्या सीन होता है, क्या चक्कर होता है वो हम करेंगे। चूहा भी अटैच कर लेंगे, चूहे का सेल भी लिया हमने। और हाँ, ट्रांजिशन वगैरह दिखाने का ये भी मकसद था कि जो कुछ कैमरा दिखाते ना इतना, उसमें कुछ मसला होता नहीं है, बनता हर शॉट ऐसे ही है, सिंपल कैमरा पड़ के गाड़ी के चीटे के बीच में। पर जैसे हम म्यूज़िक डाल देते हैं और उसमें ट्रांजिशन डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, इसमें इतना कोई आर्ट नहीं। हम इंस्पायर हो जाए, यूट्यूब पे देख रहे हैं और क्या है, और गाड़ी का शॉट लिया, वो गाड़ी का शॉट आप भी ले सकते हैं, हिम्मत करेंगे आप भी। कुछ कुछ नहीं होता, कैमरा खोलना है बस, कैमरा खोलोगे आर्ट खुद ब खुद होगा। अल्लाह मियां का बुलावा आ गया, बट हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। बढ़िया दाढ़ी, आज खतवत भी बनवा लेते हैं। ओके भाई, फिलहाल इतना है, मैं ज़रा फ्रेशन अप हो जाऊँ और या दैट्स इट। भाई वॉइस ये तो थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ओवरवेलमिंग सा होना शुरू हो गया है। मैं समझ रहा था कि प्रीमियर नहीं, बखैर मैं प्रीमियर प्रो को इजी नहीं ले रहा था, लेकिन मुझे था कि थोड़ी एडिटिंग मुझे आती है तो आऊँगा तो तब मुश्किल शायद ना लगे, लेकिन लग रहा है। बट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसी टेंशन नहीं है, अभी रात के 1 बज रहे हैं। और असल में मैं ना, मसला मेरा ये है कि मैं टेक्नोलॉजी से थोड़ा पीछे हूँ, मैं बड़ा ना बूमर हूँ मोबाइल में भी, मतलब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के अलावा सेटिंग वेटिंग में मैं नहीं घुसता, कंप्यूटर भी मुझे ज़्यादा सही से अच्छा ना चलाना नहीं आता, तो मैं वो शॉर्टकट नहीं समझता है, खाली डिलीट करेंगे तो कुछ और होगा, कंट्रोल ऑल डिलीट करेंगे, एक बेसिक सी बात कर रहा हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट पे मेरा ना उंगलियाँ चलती नहीं हैं, इसलिए मुझे हर चीज़ ना मुझे बारीकी बड़ी बॉदर कर रही है। अभी मैं एक चीज़ जैसे समझ गया हूँ कि ये ना ऐसे ऐसे होगा, अब मैं कर्सर को एक चीज़ पकड़ रहा हूँ तो अगली छूट रही है, मैं दोनों को सालों को साथ नहीं पकड़ पा रहा, सब कंट्रोल शिफ्ट दबा दिया, या तो ये क्रैक वर्जन का मतलब है, क्या मतलब है, छोटी छोटी चीज़ें मुझे तंग कर रही हैं, बड़ी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, वो गुस्सा दिलाने वाली चीज़ें तंग कर रही हैं। खैर अभी हम बस चिल कर रहे हैं, मैं और छुआ कुछ करता हूँ वहाँ, कुछ और हो जाते हैं, खैर मिलते हैं आपसे, ये इंशाल्लाह हम इसको निपटाएंगे, वी आर गुड टू गो। अच्छा भाई, तो ये प्रोजेक्ट मिला आपने, हम थोड़े से ना अभी सोच रहे हैं और सीक्वेंसेस वगैरह डालें, सीक्वेंसेस ऐसे इनके चाय पीते हुए जबरदस्ती थोड़ी सी और वीडियोस बना लूँगा, जितने ज़्यादा मेरे पास छोटे छोटे फुटेज होंगे उतने ज़्यादा मुझे ट्रांजिशन वगैरह और हाथ सेट करने में आसानी होगी। थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रहा है, आना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत मैंने कर भी लिया, कल तक इंशाल्लाह इसको माइंड अप भी कर देंगे, कल परसों तक। ये चीज़ें सिर्फ हाइप करने के लिए नहीं है, ये मैं पहली दफ़ा एक चीज़ कर रहा था तो मुझे उसके लिए फुटेज चाहिए था कुछ करने के लिए, इसलिए मैं फुटेज बना रहा हूँ ताकि उस पर डालूँ और उस पर एडिट करूँ, तो इसलिए कोई टेंशन लेनी, मैं कोई चीज़ की ऐप नहीं डाल रहा अभी, तो बड़ा घटिया बिगनर स्टाइल में आएगा। और तो प्रोजेक्ट प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट मिला आप, अभी हम चाय पीते हैं। अच्छा
भाई इस टाइम किचन में इतनी डिम लाइट रखने की वजह ये ऑन पर्पज होता है, ये गलती से ऐसे नहीं कि लाइट नहीं खोली, लाइट तेज़ वाली ऑन ना करने की दो वजह हैं, एक तो सब लोग सो रहे हैं कुछ, एक आध दरवाज़ा भी खुला है तो फालतू में क्यों किसी को तंग करें, दूसरा ये कि इतनी रात रात के 3 बजे कौन ब्राइट लाइट, मतलब सेंस भी नहीं बनाएगा ना, नेचुरल भी नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, चाय बना रहे हैं इतनी तेज़ लाइट में तो वो प्रोडक्ट शूट थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए ऑन पर्पज़ जो जिन चीज़ों में लाइट कम होती है ना वो ऑन पर्पज़ होती है, बहुत सी चीज़ों में ऑन पर्पज़ नहीं भी होती है, वो घर में लाइट भी नहीं है तो इसलिए मुश्किल होता है, बट एडजस्ट कर लो। हाँ भाई चूहा आ गया, हाँ भाई चूहा आ गया, हाँ भाई चूहा आ गया।